हेलो भाई, ये है अलकनंदा नदी जो 2013 में जो तबाही लेके आई थी केदारनाथ और आसपास की जगह में। देख सकते हैं ये जो होटल देख रहे हैं जिसमें भाई मैं रुका हुआ हूँ, ये एक और दोस्त रुके हुए हैं, हम दोनों भाई। ये जो देख सकते हैं पीछे सब डिस्ट्रॉय हो गए थे, सब ख़त्म हो गया था यहाँ पर। ये अलकनंदा नदी का भयानक रूप, ये जो नदी दिख रही है आपको यहाँ पर, ये पूरी चौड़ाई से बह रही थी उस टाइम, यहाँ तक इतना पानी आ गया था। इतना अभी तो नॉर्मल रूप में बह रही है क्योंकि मानसून अभी नॉर्मल ही चल रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से और ये छोटा सा नॉर्मल सा होटल है भाई, क्योंकि रात में टायर स्लिप हो रहे थे तो भाई रात में बाइक चलाना ठीक नहीं था, तो हमें फटाफट 500 रुपये में एक होटल लेना पड़ा। देख सकते हैं भाई नॉर्मल सा होटल, मैं और मेरा दोस्त उसका बैग देख सकते हैं सामने, भाई लोग फोटो खींचते हुए, और इसके ऊपर ही ढाबा भी है। तो ये आप देख सकते हैं लोग वहाँ पर रील्स वगैरह बनाते हुए, जो बहुत ख़तरनाक हो सकता है। तो किसी भी टाइम नदी अपने फुल उस पर आ सकती है, स्विंग पर। तो भाई ये थोड़ा देख के करें, जो भी भाई लोग रील्स वगैरह बनाते हैं तो थोड़ा खतरे की जगह से थोड़ा बच के साइड में करें जी। नदी का फ्लो देख सकते हैं आप, यहाँ से थोड़ा नीचे कम निकलती है और फिर आगे आके बहुत चौड़ी हो जाती है नदी, देख सकते हैं। तो यही था गाइस, आज छोटा सा रूम टूर दिया और बताया कि यहाँ पर कच्चे पहाड़ बहुत ज़्यादा हैं भाई, मानसून के सीज़न में आना अवॉइड करें, कोशिश करें कि शिमला की तरफ या जहाँ पर पक्के पहाड़ हैं उधर ही आप जाएं मोस्ट ऑफ द टाइम। दोस्त नोस्ट हमें दिख साइनिंग ऑफ, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच, मेक श्योर सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल।